किया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप विधानसभा से देख पा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फिलहाल पहुंच चुकी हैं। हाईटी का आयोजन यहां पर हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री आज अब जवाब दे रही थी, कई तरह के ऐलान उन्होंने यहां पर किए हैं और एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर फिर दोहराई मुख्यमंत्री ने कि 8 महीने अब जो बचे हैं उसमें फिलहाल बजट भाषण में जो तमाम घोषणाएं की गई, बजट के दौरान जो तमाम बातें की गई, उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनको वक्त पर पूरा किया जाएगा। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें, विधानसभा की ये तस्वीरें जहां पर हाईटी का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर जिन विधायकों को सम्मानित किया गया है वो विधायक अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल यहां पर मौजूद है, तमाम विधायक यहां पर मौजूद है और फिलहाल मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हाईटी का ये आयोजन जिसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर जिन विधायकों को सम्मानित किया गया है वो विधायक अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, बाकी विधायक भी यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री चर्चा करती हुई, एक तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग इसे कहा जा सकता है, इनफॉर्मल 1-to-1 इसे कहा जा सकता है जो मुख्यमंत्री का इस वक्त वहां पर हो रहा है। तस्वीरें फिलहाल आप सीधी देख पा रहे हैं विधानसभा से, जहां पर बाहर साइड में आपको बता दें कि ये हाईटी का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, बाकी विधायक भी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया है वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आज दिन भर की भी हम यहां पर यदि बात कर लें तो मुख्यमंत्री आज जब जवाब दे रही थी, कई तरह के ऐलान उन्होंने किए हैं और इन ऐलानों के साथ ही एक बात जिसकी प्रतिबद्धता दोहराई वो ये कि 8 महीने बचे हैं, क्योंकि अब साल के आखिर में चुनाव होने हैं, हालांकि डेट आने का इंतजार है लेकिन लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 महीने का वक्त अभी बाकी है और बजट में जो तमाम घोषणाएं की गई हैं उन्हें लागू किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो तमाम घोषणाएं पूरी हों, ये सरकार का लक्ष्य रहेगा। साथ ही कांग्रेस पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा कि चाहे पहले वाला टेन्योर रहा हो, हमारा कार्यकाल रहा हो या फिर ये वाला कार्यकाल रहा हो, हर बार जब भी कांग्रेस की सरकार के बाद हमें जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है तो वित्तीय घाटा हमें बहुत झेलना पड़ा है। वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप मुख्यमंत्री ने यहां पर कांग्रेस पर लगाया कि मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से हर बार घाटे की सरकार हमें सौंपी गई और लगातार उस घाटे से उबरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है हमें, ये मुख्यमंत्री ने यहां पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। फिलहाल ये तस्वीरें हाईटी की आप देख सकते हैं, विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। हाईटी का आयोजन वहां पर हो रहा है और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, मंत्री गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये तमाम आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और 9 तारीख तक आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र की ये कार्यवाही जारी रहेगी और फिलहाल सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब तमाम तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं और इस हाईटी को लेकर बात करें, साथ ही आज जो घोषणाएं हुई हैं, आज जो ऐलान किए गए हैं खासतौर पर उन्हें लेकर भी यहां पर बात करें, तो एक चीज एक बार फिर जोरदार तरीके से कही गई कि चाहे ये वाला टेन्योर रहा हो या फिर पिछला रहा हो, हमेशा घाटे की सरकार सौंपी गई है जिससे उबरने में बहुत मेहनत लगी है लेकिन फिर भी हमने बेहतर काम किया। और इसके साथ ही दूसरी बात ये भी कि फिलहाल बजट भाषण में जो तमाम बातें कही गई हैं 8 महीने के अंदर हम उन चीजों को पूरा करके दिखाएंगे। योगेश जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी बिल्कुल, हाईटी की शुरुआत हो चुकी है और हाईटी का मुख्यमंत्री है और जो तमाम जो सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष और शोक परिणामी भी आ चुके हैं, विधान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
और माणिकचंद सुराणा, वरिष्ठ विधायक गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ विधायक प्रद्युम्न सिंह, वरिष्ठ विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, मुख्य सचिव कांग्रेस की गोविंद सिंह डोटासरा और एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो राजस्थान की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है, एक युग हुआ करता था, मोहनलाल सुखाड़िया का युग कह लें हम, भैरव सिंह शेखावत का युग कह लें, हरिदेव जोशी का युग कह लें, और ऐसे कई ऐसे मौके आते थे जब तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और विधानसभा के अंदर इस तरह का माहौल देखने को मिलता था, जब दोनों दलों के लोग जो विधानसभा के अंदर सदन के अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते दिखते थे, वो विधानसभा में इस तरह के आयोजनों में गलभाइयां करते हुए मेलजोल की जो अनूठी परंपरा राजस्थान की रही है यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में वो निभाई जाती नजर आती थी। एक ऐसा ही एग्जाम्पल भैरव सिंह शेखावत का रहा, जब तक वो काफी लंबे समय तक लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्होंने एक अनूठी परंपरा उस दरमियान शुरू की थी कि जो विधायक चाहे वो किसी भी दल का हो, जो उस दिन अच्छा बोलता था, अच्छी डिबेट करता था, उसको लड्डू खिलाए जाते थे। और वर्षों तक ये परंपरा पुरानी विधानसभा में हमें देखने को मिली, जब नई विधानसभा में तो ये नहीं देखने को मिली, लेकिन पुरानी विधानसभा थी उसमें ये परंपरा निभती जाती रही जब तक भैरव सिंह शेखावत जब तक थे। तो ये देखने को विधानसभा में मिला और इस तरह की जो अनूठी परंपरा है वो हमें नजर आती रही। और कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है कि राजस्थान की गंगा जमनी जो तहजीब है, वैसी गंगा जमनी तहजीब विधानसभा में राजनीतिक क्षेत्र में राजस्थान में हमें देखने को मिलती रही। और इसका बहुत कई ऐसे उदाहरण है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको दें हम कि जब भैरव सिंह शेखावत की पुत्री, उनकी जो एकमात्र संतान उनकी पुत्री की जब शादी थी, और जो आजकल बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, उस समय भैरव सिंह शेखावत का निवास स्थान हुआ करता था, और उस जमाने में सरकार कांग्रेस की थी और शिवचरण माथुर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जब बारात आई नरबर सिंह राजवी जो उसमें विधायक थे, विधायक नहीं थे, उनकी जब बारात आई तो उसकी अगवानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने की, कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने की, परशुराम मरेना जो उस समय के नेता थे उन्होंने की। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो माहौल था, ये एक गौरवशाली जो इतिहास राजस्थान का वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस के विधायक हुए या बीजेपी के विधायक वो एक साथ नजर आ रहे हैं। और वसुंधरा राजे ने उस गौरवशाली परंपरा को नजदीक से देखा है, वो संसद में भी उन्होंने देखा और संसद के बाहर भी देखा। और यहाँ पर आपको मैं बात करना चाहता हूँ, परनामी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। परनामी जी टेलीफोन पर, परनामी जी आपके साथ है। तो राजस्थान की गौरवशाली परंपरा रही है, जिस तरह से यहाँ पर परंपरा निभाई जाती है विधायक। हेलो जी, परनामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार परनामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रदेश की जनता आपको सुन पा रही है। धन्यवाद आपका। हेलो जी जी बिल्कुल परनामी जी, जिस तरीके से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, सदन की कार्यवाही की हम बात करें तो वहां पर जुबानी तीर चलते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन इन सब से इतर इस तरह के हाईटी का जिस तरीके से ये आयोजन हो रहा है, एक बेहतर माहौल देने के लिए, साथ ही जिस तरीके से सर्वश्रेष्ठ विधायकों का यहाँ पर सम्मान भी किया गया, तो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम भी ये करता है, क्या विचार है आपके? देखिए राजस्थान प्रदेश की विधानसभा में एक गरिमामय परंपरा रही है, सदन के अंदर अपने अपने मुद्दों को उठाने का सबको अधिकार है जी। विपक्ष को विपक्षी भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है, पक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है, परंतु सदन के बाहर सभी पक्ष और विपक्ष सब में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका संबंध रहते हैं। मैं राजस्थान प्रदेश ये पहला प्रदेश होगा जहां पर इस प्रकार की गरिमामय स्थिति रहती है। आज जो विधायकों ने अच्छा परफॉर्म किया जी, वो पक्ष के भी थे विपक्ष के भी थे, उनको आज सम्मानित किया गया, और सम्मानित होने के बाद पक्ष और विपक्ष सभी के विधायक एक साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको केवल मात्र राजस्थान प्रदेश की विधानसभाओं में देखने को मिलेगा, राजस्थान प्रदेश के जनप्रतिनिधियों में देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, और जनप्रतिनिधियों का ये आचरण कहीं ना कहीं जनता को भी एक मैसेज कन्वे करता है। साथ ही जिस तरीके से दलगत राजनीति और पार्टी विशेष को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ विधायक से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बिल्कुल सभी जनप्रतिनिधि सम्मान पूर्वक आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल परनामी जी, क्योंकि आप ऐसे कई हाइटीज में पहुंचते होंगे और पहुंचे हैं इससे पहले भी, आपकी कोई ऐसी खास तौर पर ऐसी मुलाकात किसी से रही हो या फिर कोई ऐसा संस्मरण रहा हो जो फिलहाल यदि आपको याद आ रहा हो, या फिर फिलहाल वहां ऐसी कोई मुलाकात आपकी हुई हो? सभी से मुलाकात हुई है, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक संस्मरण है।